यार कैमरा को आंदो आगे यार लाइट बंद करो तो भाई साहब उनके थोड़ा कैमरा नीचे है ना दोनों भाई एक साथ साथ में बने शुभम साथ आ जाना शुभम यही से करो यहीं से अरे भाई साहब क्या कर रहे हो यार ये पूरा गेम इसमें लाइट जला के खड़े हो गए पागल थोड़ा आगे लेना यार थोड़ा आगे लेना आगे फिर निकल नहीं पाएंगे ना वोट डालने के बाद आप निकलो जल्दी जल्दी मेरे को स्पीच में निकलो पीछे रहो यार पीछे यार फोन ऋषभ इधर 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 प्लीज अरे कैमरा स्टिल नीचे इधर इधर ऋषभ सर सबको दिख जाए विक्ट्री साइन बनाते विक्ट्री साइन विषभ अरे मोबाइल पीछे भैया जी पीछे बनाना अगर तार हिली तो फट जाएगी सर इधर भी अरे देखो जी ठीक है सर बहुत बढ़िया डन सर खबरें अभी तक जीत की वोट डाल कर आया हूँ अम्बाला की जनता शांति चाहती अमन पसंद जनता अम्बाला की जनता नहीं चाहती कि यहाँ पर दोबारा गुंडागर्दी हो दोबारा कब्जे हो दोबारा छीना झपटी हो जिसके कि संदेश दिए भी जाते हैं यहाँ की बागी प्रत्याशी पत्रकार वार्ता करती है तो एक तरफ देसी घी नकली देसी घी बेचने वाले का किंग और दूसरी तरफ अम्बाला के होटलों में बड़े स्तर पर वैश्यवृत्ति कराने वाला बैठा हुआ हो इसे संदेश दे दिया कि उनका मैनिफेस्टो क्या है अम्बाला की जनता नहीं चाहती कि यहाँ पर दोबारा बदमाशी हो और अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पर गुंडागर्दी बदमाशी ना हो तो बाप और बेटी दोनों को हर उसी प्रकार से हरियाणा की जनता हिमाचल का मुख्यमंत्री कांग्रेस का कहता है कि हम नशा उगाएंगे और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटे की तस्वीरें
जो सबसे बड़ा नशा पकड़ा गया 5600 करोड़ का, उसके सरगना के साथ प्रकाशित हुई है। एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन हरियाणा की जनता किसी भी हालत में नशा तस्करों के सरगनाओं के हाथ में सत्ता नहीं सौंपेगी। हरियाणा की जनता कांग्रेस को उसी प्रकार से उखाड़ कर फेंक देगी जैसे नशे के भांग के पौधों को उखाड़ के जला दिया। ऋषभ, मुख्यमंत्री बनने की बात आपने कही थी, अपना दावा पेश किया था, क्या कहेंगे आज? देखिए, आप अपने प्रश्न को सुधारें। मैंने कभी दावा पेश नहीं किया और मैं कभी दावा पेश करूंगा भी नहीं। मैं जब 2014 में हमारी सरकार आई, मैं उस वक्त भी सीनियर मोस्ट था और उससे पहले 2009 से 2014 तक की प्लान में मैं भाजपा का विधायक दल का नेता था। कांग्रेस के सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे मैंने उठाए, जिनके आज केस चल रहे हैं हुड्डा जी के खिलाफ। मैंने तब भी दावा नहीं किया। अब जब अदला बदली हुई, मनोहर लाल खट्टर जी को हटाकर नायब सैनी को बनाया गया, मैंने तब भी दावा नहीं किया। लेकिन हरियाणा के लोगों में एक बात चली कि अगर सबसे जूनियर आदमी नायब सैनी मुख्यमंत्री बन सकता है तो अनिल विज क्यों? उस पर हमारे कुछ सियाने लोगों ने जवाब दिया कि नहीं नहीं अनिल विज भी ठीक है, हम उसको भी बनाना चाहते थे लेकिन वो तो बनना नहीं चाहता, वो इनकार करता है। मैंने उस बात का जवाब दिया कि मैंने आज तक पार्टी के किसी भी हुक्म का इनकार नहीं किया। अयोध्या में गोलियां चल रही थी, पार्टी ने कहा जाओ, मैं सबसे आगे। लाल किले पर झंडा लहराने की बात की, मैं केसरी वानी का हरियाणा का अध्यक्ष था, पार्टी ने कहा लाल चौक जाओ, और उस वक्त लाल चौक जाने का क्या मतलब, मैं वहाँ गया। पार्टी ने जो उद्देश्य दिया, और अगर पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनाएगी तो मेरा इनकार नहीं है, और अगर बनाएगी तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। और अगर पार्टी ने चाहा तो आप सबसे अगली मुलाकात मुख्यमंत्री निवास पर होगी, मैं तुम्हें इनविटेशन दे रहा हूँ।